नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रवण। आज एक बहुत ही सुखद सफल है मेरे लिए। मेरा एक बहुत लाडला बेटा जो 12वीं के साथ 680 का स्कोर लाके आज SMS में अपना एडमिशन ले चुका है V12th। आप नगर के रहने वाले हैं, आप नाम सब जान गए होंगे। जैसे नगर की बात आएगी, बंसल का नाम आपके जुबान पे आ जाएगा। हमारा लाडला बेटा पार्स बंसल, आज पार्स बंसल 19 जनवरी 2021 को अपने ताऊजी की लड़की, अपनी बड़ी, अपनी बहन जो क्लासमेट है इसकी, उसके एडमिशन के लिए आप यहाँ आए। आपके ताऊजी आपके साथ हैं, आपके ताईजी आपके साथ हैं। तो हम बैठे थे तो आपके ताऊजी ने कुछ लॉकडाउन के बारे में चर्चा की मेरे से कि चौधरी साहब आपने इस तरह किया, ऐसे किया। तो मुझे लगा कि इस चर्चा को मुझे आप पे पहुंचाना चाहिए ताकि लोग प्रॉपर जगह पहुंच पाए। खुशबू अच्छी है तो पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे गांव में कहावत है, मोर नाचा जंगल में किसने देखा। तो मोर नाचा तो उसका देखना बहुत जरूरी है, इसी के लिए इस वीडियो को शूट किया जा रहा है। तो मैं सबसे पहले इस परिवार का परिचय कराना चाहूंगा। आप हैं हमारे पार्स बंसल, आप 10th नगर से पास किया। आपके फादर साहब दिलीप कुमार जी, 10th का आपका स्कोर था 94%, 12th फाउंडेशन में भी आपका 94% स्कोर है। एक तो ये बात सुन लो, फाउंडेशन में परसेंटेज कहीं डिस्टर्ब नहीं होते हैं। 10th में 94%, 12th फाउंडेशन के साथ विथ 12th 94%, और 12वीं के साथ विथ 12th 680 का स्कोर लेके आज आप SMS में अपना एडमिशन ले चुके हैं। मैं पहले पूरे परिवार का परिचय करा दूं। आप पार्स के ताई जी हैं जो अपने बेटी का एडमिशन 12th में कराने के लिए हमारे बीच यहाँ आए हैं। इसी तरह से आपके दोनों ताऊ जी हमारे साथ हैं, आप भी पार्स के ताऊ जी हैं, आप भी नगर से हैं, मतलब वहीं रहते हैं, आप भी आपके ताऊ जी हैं। तो ये परिवार के सब लोग आए हुए थे, एक भैया भी साथ आए हुए सामने बैठे हैं। तो मैं सबसे पहले आपके ताऊ से कहना चाहूंगा कि प्लीज आप अपना परिचय देते हुए आप जो मुझे बता रहे थे ना, वो उनको बताएं जिनको उसकी बहुत जरूरत है। मेरा नाम अनूप कुमार है, मैं नगर डिस्ट्रिक्ट भरतपुर का रहने वाला हूं। और सबसे मेन चीज़ है, कोई भी कोचिंग किसी बच्चे को जो करनी है, चाहे वो इंजीनियरिंग संबंधित हो, चाहे डॉक्टरी से संबंधित हो, अगर अपन उसको एक भेड़ चाल में चले जाएंगे, भाई इसमें चलना है, सब बच्चे इसमें जा रहे हैं, या बहुत बड़ा स्टेटस है उसका, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही ज़्यादा केयर जो बच्चों को करते हों और पढ़ाई पे प्रॉपर ध्यान देते हों, और उनका मतलब जैसे मैंने लॉकडाउन में भी देखी व्यवस्था कि जब सभी बच्चे हताश थे, काफ़ी परेशान थे, तो इन लोगों ने CLC वाले जो चौधरी जी हैं, श्रवण जी चौधरी, उन्होंने एक रोजीना लाइव आके बच्चों से जुड़े रहे, वो सब पूरा उनका स्टाफ और जो समस्याएं थी DTS जो करवाते थे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि हमें उस टाइम ऐसा लगता था कि जैसे मेरे बेटे का पेपर नहीं है बल्कि श्रवण चौधरी जी के बेटे का पेपर हो रहा है। हमें मतलब ऐसा महसूस होता था उस टाइम कि हमने बहुत अच्छी जगह चुनी है और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है हमारे लिए। आप जैसा अभी मुझे बता रहे थे कि जब आप 10th पास करके जयपुर आए बच्चे को लेकर, आपके भाई, छोटे भाई पास के फादर, तो आपने CLC में जब एडमिशन कराया तो फिर कुछ लोगों ने आपके गलत बताया फैसले को। मैं आपको ये सबको बताना चाहूँगा कि जब हम दो दिन हमने जयपुर रुके, हम दो दिन, मैं और इस पारस बंसल जो है इसके पापा, मैं ताऊ लगता हूँ, और उसके पापा, हम दोनों गए थे और हम जयपुर में दो दिन रुके। दो दिन रुकने के बाद क्या हुआ कि हमने बहुत डिस्कस किया आपस में दोनों भाइयों ने कि भाई किस में कराएं। फिर हमने CLC को चुना। CLC क्यों चुना ये भी मैं आपको बता दूँ। हम हर जगह गए, और भी कई संस्थाएं थी, काफ़ी सारी थी, LN है, आकाश है, और भी आपके कैरियर काम जो भी काफ़ी सारी संस्थाएं थी, हम करीबन 8-10 संस्थाओं में गए थे। और सब में जाने के बाद ऐसा लगता था कि भाई ये बेस्ट है, लेकिन हमको निर्णय लेना था कि भाई हमको किस में कराना है। तो हमने अपने कुछ सिस्टम सोचे कि भाई कैसे बच्चों का ध्यान रखते हैं। हमने दो दो बार गए जहाँ हमने सेलेक्ट की, फिर CLC भी हमने चुना था। हम दो तीन बार गए उसमें, बल्कि हम संतुष्ट हुए हर चीज़ से, उनसे पूछ पूछ के। जैसे बार बार पूछते हैं ना, सामने वाला ये समझे यार ये बार बार पूछ रहे हैं एक ही चीज़ को। जैसे अपन कहीं बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कई कई बार पूछते हैं किसी चीज़ को, तो ऐसे ही हमने मतलब बार बार इन CLC वालों से, जयपुर जो ब्रांच है वहाँ गए, पूछा, उन्होंने हर बात तरीके से और सिस्टम से समझाई। हमको इतनी संतुष्टि हुई कि हमने तुरंत निर्णय ये दो दिन बाद लिया कि हम इसको CLC में ही कराएंगे। हम करा के नहीं चले गए, हम छोटे कस्बे से आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सब एक दूसरे को जानते हैं छोटे कस्बों में। तो हम जब वहाँ चले गए तो हम जैसे पूछते थे, भाई पारस बंसल का तुमने क्या किया, मिलने जुलने वाले पूछते थे,
तो हम बोलते थे सीएलसी में हमने एडमिशन करा दिया है, तो वो एक क्वेश्चन मार्क टाइप में बात करते थे हमसे कि सीएलसी, तो हम फिर दोनों भाई सोचते थे इनके यार ये ऐसा क्यों बोलते हैं लोग, फिर हमें विश्वास था सीएलसी की जो जयपुर ब्रांच में जो हमारे साथ जो उन्होंने सिस्टम से व्यवहारिक ढंग से जो बातें हुई थी हमसे उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने पूरे साल ध्यान रखा उन बच्चे का, और बाद में तो लॉकडाउन हुआ उसके बाद तो आप सबको पता ही है। मैं आपकी आपका शुभ नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम अनूप कुमार। अनूप कुमार जी की बात को इस तरह कहूँ, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, सिलेक्शन के लिए सबसे पहला पेरेंट्स का विश्वास होता है कि संस्था के प्रति, भेड़ चाल नहीं चले। मुझे इस बात को स्वीकारने में कोई बुराई नहीं है, कोटा सीधी ट्रेन है भरतपुर से, लोग वहां मैक्सिमम कोटा जाते हैं, वो एक ट्रेंड है, उसको गलत भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने रास्ता चेंज किया, आप सीएलसी आए तो आज नगर में, तो आप बताओ बंसल साहब पिछले 2-3 साल में, पार्श आपको भी ध्यान होगा, पिछले 2-3 साल में आपके नगर से देखो दोस्तों ये है, नगर एक कस्बा है, बड़ा कस्बा है, वहां से विट 12 पिछले 2-3 साल, जैसा कि हम लोग हमारे नॉलेज के भाव से बता रहे हैं, नॉलेज के कारण बता रहे हैं दोस्तों, नहीं कि कोई नहीं है, क्यों वो क्यों एक अकेला पार्स पसर क्यों निकला, क्योंकि आपने विश्वास किया सीएलसी पे, आप जुड़े सीएलसी के साथ, और 3 मई के एग्जाम होती तो शायद हो सकता है कि हमारा पार्स भी SMS ना पहुंच पाता है, ऐसा पार्स का मानना है, बट लॉकडाउन के दौरान जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने, जो सारा सिस्टम मैंने मेरे कंधे पे लिया, 27 मार्च 2020 से दिल्ली में फेसबुक लाइव आना स्टार्ट हुआ, पर आज मैं उसका 240 8 महीने हो गए लाइव आते हुए, उसकी देन है कि आज मैं इन पेरेंट्स के साथ बैठा हूँ, बहुत मान सम्मान के साथ, आप नगर से हैं, वो कहते ना हमारा कोई रिश्ता पूर्व जन्म का रहा है नगर, ना हमारी कोई बुआ है ना हमारी कोई मौसी है, एक खुशबू है सीएलसी की, और हमारे मैं जयपुर मैनेजमेंट के लोगों का धन्यवाद दूंगा कि आपने इतनी बढ़िया काउंसलिंग की, कितने अच्छे परिवार को आप गाइड कर पाए एडमिशन के लिए, आप उनको डिसीजन लेने की स्थिति में लेके आए, इसलिए मैं मेरे जयपुर ब्रांच का भी आभारी हूँ। अब मैं चाहूंगा बेटे पार्श बंसल से कि आप लॉकडाउन 3 मई के एग्जाम होती तो आपका क्या मानना था, 13 सितंबर के एग्जाम में जो आपने हंगामा खड़ा किया है, इसमें क्या क्या फर्क होता 3 मई के एग्जाम होती तो? 3 मई को एग्जाम होती तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं शायद इतना अच्छा नहीं कर पाता, क्योंकि एक वो होता है कि जब कोई आर्मी लड़ने जाती है तो एक होता है कि हथियार चलाना आता है, और एक होता है कि आपकी फील्ड की ट्रेनिंग कितनी है। मुझे अच्छे से पता था ये क्वेश्चन ऐसे होगा, लेकिन मेरी जो प्रैक्टिस थी एग्जाम की 180 क्वेश्चन बैठ के ऐसे करते हैं वो बहुत वीक थी। तो जो ये 5 महीने का टाइम मिला, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि सर ने मेरे से 5 महीने मांगे और मुझे मेरे 5 साल दे दिए, सर ने मेरे को 5 महीने मांगा 5 साल दे दिए, और ये बहुत बड़ी बात है। और नो डाउट ये जो लॉकडाउन में जितने भी सिलेक्शन हुए बहुत मतलब याद रहेंगे, क्योंकि एक ऐसा टाइम था जब सारे बच्चे हताश हो गए थे बिकॉज सारी कोचिंगें बंद हो चुकी थी, सब कुछ बंद हो गया, फिर घर पे वो जो होता है ना कि हम पढ़ नहीं पाते, मैं हॉस्टल का हूँ, हॉस्टल में मैं आराम से रूटीन वर्क पढ़ पाता था, फिर घर पे कोई टाइम टेबल नहीं था। आप जयपुर हॉस्टल में रहे? हाँ हॉस्टल, मम्मी साथ नहीं दी आपकी? नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, ये कुछ पेरेंट्स बिना मतलब कोटा जाते हैं, मम्मी को साथ भेज रहे हैं, कहीं दादी साथ जा रही है, घर डिस्टर्ब हो रहा है, मम्मी वहाँ बच्चे के साथ है, पापा बेचारे खुद वहाँ रोड सेक रहे हैं, जरूरत ही नहीं है, आप हमारे पास आओ ना यार, हमें उस तो सब दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। आप सोचो 10th पास करके आए थे, कितना अभी छोटा ही है तो बिल्कुल मासूम सा होगा, अभी मासूम है, ये बच्चे जयपुर में मेंटेन करते हैं अपने आप को, ये सब सीएलसी केयर, प्लीज बेटा अपनी बात कंटिन्यू करें। तो वो जो मेरा टाइम टेबल था ना, वो जो हॉस्टल का था वो घर में बना ही नहीं, फिर एक बॉस ने खुद ने टाइम टेबल सेट करके दिया, उसके हिसाब से फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, और नो डाउट बहुत अच्छा रहा वो। और जितने भी DTOs हुए, मैं DTS फर्स्ट और सेकंड के बारे में कहना चाहूँगा, क्योंकि ये सबसे अच्छा शायद डिसीजन रहा वो, जो रामबाण कहते हैं ना ये वो था, क्योंकि DTS फर्स्ट में मैंने अपनी प्रिपरेशन को पूरा किया, और DTS सेकंड में रिवीजन के लिए बेस्ट थी, उसमें एक दिन का गैप भी मिलता था तो वो बेस्ट थी, और उसके अलावा जितने भी आपके टेस्ट हुए उन सब की मदद से बस हो गया है। 13 सितंबर को भी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम देने जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा था कि हाँ एक रोजिना का सा DTS है, बस आज थोड़ा बड़े लेवल पे हो रहा है, बाहर जाके देना है, बाहर हो रहा है, देके आ जाओ, बस इतना ही हुआ। और कोई मैसेज आप बच्चों के लिए? इतना ही मैसेज है, देखो जैसे सर ने जब मैं पहली बार आया, पहले हम जब 10th में थे, जब हमने सोचा कि 11th और 12th कर लेते हैं,
फिर देख लेंगे। तो हम जब कोचिंग में आए थे बात करने 11th के एडमिशन, सर ने एक बात समझाई थी कि 12th के साथ सिलेक्शन बहुत ईजी होता है, और ये सही भी है क्योंकि आपको बहुत टाइम मिलता है। तो मैं कहना चाहता हूँ जो बच्चे भी 11th और 12th में हैं, टाइम मतलब वेस्ट नहीं करें इस टाइम को, बहुत ज़्यादा वो मौका है आपके पास कि 12th के साथ सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं हो, बहुत ज़्यादा ईजी होता है, और फिर बिट 12th की तो बात ही अलग होती है। थैंक यू पार्थ, बिल्कुल सही बात है। बिट 12th एक अपना मजा है। आप जो जाओगे कॉलेज में तो आपको पूछे प्रोफेसर बिट 12th कौन कौन बच्चा है, तो आप खड़े हो जाओगे, तो खड़े हो क्लास में, तो आपके प्रत्येक अलग लाड आएगा। मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ, एक नगर का एक बच्चा, बिल्कुल एक अच्छे परिवार का बच्चा, जो अपना खुद का एक अच्छे लेवल का दिमाग रखते हैं, जो जिनके लिए हर चीज सेकेंडरी है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, वो सीएलसी का चुनाव करते हैं, जयपुर सीएलसी का, वो भी ये बच्चा जयपुर सीएलसी सर, सीएलसी हर जगह की क्वालिटी, नरेश चौधरी सर जो मेरे साढ़े साहब वहाँ एमडी हैं, वहाँ विनोद शर्मा जी हैं, वो इतना अच्छा काउंसलिंग की उस टीम ने काम किया, और आप कह रहे कि पिछले 2-3 साल में 12वीं के साथ नगर से कोई सिलेक्शन होने वाला बच्चा हो तो पहला बच्चा हूँ, और ये पूरा परिवार आज आया हुआ है। मुझे बात की, मुझे लगा है खुशबू आप तक पहुंचाएं। बच्चों आप भी, आपके ताऊ जी आप भी कुछ कहना चाहें तो प्लीज आप अपनी बात को रखें। नमस्कार जी, मेरा नाम कमलेश कुमार है जी। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन जैसी परम स्थिति में भी, बहुत गंभीर स्थिति में भी, इस सीएलसी वालों ने जो अपना दमखम दिखा के ने बच्चों को, हमारे बच्चे को या अदर्स जो जो भी बच्चे हैं उनको अपनी बेड़ा पार करवा दिया, इससे बढ़िया मेरे लिए कुछ और भी नहीं। थैंक यू। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को समाप्ति पे लेके जाते हैं। फिर से कहता हूँ, ये एक बंसल परिवार है, नगर भरतपुर के रहने वाले हैं, 10th पास करके सीएलसी जयपुर आए, 2 साल बच्चा रहा हॉस्टल में, रहा 12वीं के साथ 680 का स्कोर आप लेके आए। उसमें आप कहते हैं कि लॉकडाउन के समय बने व्हाट्सएप ग्रुप, उस समय के बाद डेली टेस्ट सीरीज, हमारी डायमंड टेस्ट सीरीज, हमारा शाम को लाइव आना जो अब तक कंटिन्यू हो। मैं फिर से कहता हूँ, ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं आज 19 जनवरी 2021 को, और आज 19 जनवरी को मेरा 240वां लाइव होगा, यानी एग्जैक्ट 8 महीने हो जाए लाइव करते हुए। तो आज मुझे अच्छा लग रहा है कि उस लाइव को मैंने, सुनील सर ने, साहिल सोमन ने स्टार्ट किया था, वो इतना अच्छे रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम सब के, वो कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण की बात याद आती है कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। उन्होंने वाकई कर्म शुरू किया था, फल आज आपके सामने है। तो एक बार फिर से पूरे सीएलसी परिवार की तरफ से मैं बंसल परिवार का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और लाइव देखने वालों, इस वीडियो को देखने वालों को इतना ही कहना चाहूंगा, विश्वास करो सीएलसी पे, 100% सफलता आपको सीएलसी देती आई है, आगे भी देगी। थैंक यू। जय सीएलसी।